بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم सूरत नूर ये मदनी सूरत है और इस सूरह मुबारक में 64 आयात मुकर्रमा हैं और ये सूरह मुबारक बहुत सारे अहकाम पर मुश्तमिल है, ख़ास तौर पर ख़वातीन से मुताल्लिका बड़े अहम मसाइल और अहकाम इसमें बयान किए गए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि अल्लिमु निसाअकुम सूरतन नूर, अपनी ख़वातीन को सूरत नूर सिखाओ। और इसी तरह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, अपनी ख़वातीन को सूरतुल माईदा, सूरतुन नूर, सूरतुन निसा, सूरतुल अहज़ाब, ये सूरतें ज़रूर सिखाओ। इन सूरतों में बहुत बड़े अहकाम हैं और बेशतर उन अहकामात का ताल्लुक घरेलू ज़िंदगी के साथ है, इज़दिवाजी ज़िंदगी के साथ है, तरबियत औलाद से बहुत सारे अहकाम मुताल्लिक हैं और इसी तरह से किफ़ालत और रिज़ाअत और इसी तरह से मीरास और बहुत सारे अहकाम ज़िंदगी, रोज़मर्रा के मामलात और अहकाम जो घरों में दरपेश आते हैं, वो अहकामात इन मुबारक सूरतों के अंदर मज़कूर हैं।
तो एक मुसलमान होने के नाते से अल्लाह तबारक ताला के इन अहकामात का सीखना जानना हर इंसान की ज़रूरत है। ये हर घराने की ज़रूरत है, हर फैमिली की ज़रूरत है, हर फर्द की, हर मर्द की, हर औरत की ज़रूरत है कि अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के पैगाम को सीखे। और सूरतुन नूर के मुतालिक ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मदनी सूरत है और इस सूरह मुबारका में जो अहकामात हैं इन अहकामात का ताल्लुक माशरती ज़िंदगी के साथ है। और अगर आप यूँ समझें तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और बेजा न होगी कि इस्लामी माशरे के बुनियादी मसाइल, बुनियादी अहकाम मुल्क में हम इस्लाम नाफिज करें न करें वो तो बात की बात है, आपके इख्तियार में अपने घर के अंदर इस्लाम का नफाज तो है। आप घर से इन सूरतों के अंदर जो मज़कूर अहकाम हैं उन अहकामात का इजरा आप घर से शुरू करें, आप देखेंगे इंशाल्लाह इसकी रहमतें और बरकतें आपके घरों में किस तरह से उतरती हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वापसी हो रही थी गज़वा बनुल मुस्तलक से, तो वापसी पर मुनाफिकों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने से मुतालिक बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा किया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आफीफ़ा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा किया। और ये बात भी आप ज़हन नशीन फरमाएं कि इस्लाम दुश्मन उस वक्त भी और आज भी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमानों के जो मज़हबी पेशवा और रहनुमा होते हैं उनके ख़िलाफ़ मुसलमानों के जहनों को ऐसा जहर आलूद कर दिया जाए ताकि कोई शख्स इनके करीब ना आए, इसलिए कि अगर करीब आएंगे तो दीन सीखेंगे और जब दीन सीखेंगे तो दुनिया वालों की ख्वाहिशात और चाहतें पूरी नहीं होंगी। कि इस्लाम एक बुनियाद सिखाता है, इस्लाम एक नज़रिया देता है, इस्लाम एक सोच देता है, इस्लाम एक माशरती ज़िंदगी देता है, एक तिजारती ज़िंदगी के अहकाम बतलाता है, ज़िंदगी के हर शोबे के अहकाम बताता है। लेकिन ये कहाँ से सीखे जाएंगे? अहले इल्म, उलमा, मुख्तदर लोगों से। तो जब लोगों के जहनों में उन अहले इल्म और मुक्तदा पेशवा रहबर और रहनुमा जो लोग होंगे उनके हवाले से मनफी बातें जहन में आ जाएंगी तो लोग उनके करीब नहीं आएंगे। मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत की जो सूरत थी, एक सूरत पहला जो दौर था, ये बात हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, पहला दौर था साबी हो गया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये प्रोपगंडा मुशरिकों ने फैलाया कि बेदीन हो गया, हमारे आबाव अजदाद का दीन इसने छोड़ दिया। लेकिन जब देखा कि हर दिन तरक्की ही हो रही है, हमारे इन जुमलों से उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, फिर दूसरा दौर आया कि उन्होंने मजनून दीवाना पागल कहना शुरू किया कि भाई जब हम मजनून दीवाना कहेंगे तो नतीजा ये होगा कि लोग दीवाना समझकर इनके करीब नहीं जाएंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, लिहाजा हमें अपने मकासद हासिल हो जाएंगे। लेकिन हर आए दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा बढ़ते गए, इस्लाम को तरक्की मिलती गई। फिर तीसरा दिन दौर ये आया कि अब ऐसा कर लेते हैं कि इस तरह से तो काम नहीं बना, जदोकूब करो, मार पिटाई, जो इस्लाम ले आया, जो कमज़ोर था, जिसके पीछे कुंबा कबीला नहीं था, तो उसकी तो पिटाई होना शुरू हुई कि किसी तरह से ये फिर जाएं अपने दीन से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दें। लेकिन जब ये सूरत भी कारामत साबित नहीं हुई और जान हथेली पर रख कर सहाबा ने अपने ईमान और इस्लाम और अपने दीन को बचाया, एक ज़रा ईमान पर आँच नहीं आने दी, जान चली जाए तो चली जाए, ईमान न छूटे। फिर उसके बाद जलावतन करने की बात आई और मुकम्मल तौर पर बाइकाट की बात आई, ये सारे हरबे मक्का के अंदर इस्तेमाल हो चुके। बिल आखिर आखिरी हरबा
अब यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह सुम्म माज़ल्लाह कत्ल कर दिया जाए। तो जब यहाँ तक नापाक मंसूबे उन्होंने बनाए और नापाक इरादे उन्होंने किए, तो अल्लाह तबारक ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत के असबाब बनाए और आप मक्का छोड़कर मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। जब मदीना तैयबा आप तशरीफ़ ले गए तो अभी मुशरिकीन की, मक्का वालों की, उनकी आँखें ठंडी इससे भी नहीं हुई, इसलिए कि मदीना में हर दिन तरक्की हो रही है, इस्लाम में इजाफ़ा हो रहा है, तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, अखलाक बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, इबादात बेहतर से बेहतर हो रही हैं, अमन व अमान कायम हो गया, बहमी मोहब्बतें कायम हो गई हैं, और आमदरफ्त जब देखी एक दूसरे के मेलजुल रहा तो उसके नतीजे में बहुत सारी बातें समझ में आईं कि पहले ये कैसे थे अब कितने अच्छे हो गए। तो फिर भी मुशरिकीन की कोशिश, अब थोड़ा सा मदीना के अंदर जो लोग यहूद आबाद थे उनके साथ गठजोड़ करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर साजिश करने की कोशिश की। चुनाचे जंग बदर का मारका हुआ, फिर उसके बाद अहद का मारका हुआ, फिर उसके बाद अहज़ाब का मारका हुआ, ये सारे के सारे मारके होते रहे। और बिल आखिर जब ये यहूद जो मदीना के अंदर आबाद थे और फिर मदीना में कुछ ऐसे लोग थे जो जाहिर में इस्लाम जाहिर कर रहे थे लेकिन अंदर कुफर छुपाए हुए थे, जिनको मुनाफिकीन कहा जाता है, वो बड़े प्रोपगंडे करते थे, तो वो भी जब देख रहे हैं कि हर दिन इनको तरक्की मिल रही है, तो अब एक सूरत ये सोची गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर तो असर नहीं पड़ रहा, इतने बुलंद किरदार, इतने बुलंद अखलाक के मालिक हैं कि जो कुछ कहो इनकी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ता, लिहाजा अब इनके घराने पर हमला किया जाए। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ प्रोपगंडे किए। और आगे दूसरे रुकू से आगे जो दो रुकू आते हैं तफसील के साथ, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात पर है कि गज़वे से, गज़वा बनुल मुस्तलक से वापसी हो रही थी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस गज़वे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थीं। तो रास्ते में एक जगह पर पड़ाव डाला और रुके, और तरीक़ेकार और तरतीब ये होती थी कि जहाँ पड़ाव डालते थे और जब वहाँ से निकलने की बात आती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा जो भी साथ होती या जी दीगर जो ख़वातीन होती, तो आम तौर पर अजवाज या ख़वातीन को हौदज में बैठा दिया जाता था। ये ऊँट के ऊपर एक डब्बा नमा, डोली नमा एक बना लिया करते थे और उसके अंदर ख़वातीन बैठ जाया करती थी, तो इसमें पर्दा भी होता था। और वो इस तरह से कि जब ऊँट रोकते या ठहरते तो उसको उतार के नीचे रख देते और जब जाने की बात आती तो वापस ऊँट के ऊपर बांध देते। उसका अपना भी अच्छा खासा वज़न होता है और फिर ऐसा आदमी के जिसका वज़न कम हो तो बसा औक़ात महसूस भी नहीं होता कि इसके अंदर कोई है या नहीं है। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने यह समझा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीच में मौजूद हैं, उन्होंने ऊपर ऊँट के ऊपर उस हौदज को रख दिया। जबकि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तफसील, अपनी बात ख़ुद बयान फरमाती हैं कि मैं उसमें मौजूद नहीं थी, मैं हाजत के लिए गई और मेरा हार टूट गया, उसकी तलाश में क़दर ताखीर हो गई। जब मैं पहुँची तो काफ़िला जा चुका था, जब काफ़िला जा चुका था मैंने देखा तो मुझे ये यकीन हो गया कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस किसी को भेजेंगे या ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, यही अक्लमंदी दानिशमंदी का तकाज़ा है, वहाँ ही बैठ गई। एक सहाबी थे हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर और मुतय्यन फरमाया था कि अगर किसी का कोई सामान रह जाए तो तुम पीछे पीछे आया करना कि जब काफ़िला यहाँ से जा चुका हो तो किसी का कोई सामान रह गया हो तो वो ले आना। चुनाचे ये पीछे से आए तो इन्होंने देखा कि कोई सोया हुआ है, चादर ताने हुए, तो करीब पहुँचे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहचान लिया, पर्दे से पहले देखा था, तो फौरी कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं इसके सिवा कोई बात उन्होंने मुझसे नहीं की, और आके ऊँट बिठा दिया और मैं ऊँट पर सवार हो गई और वो आगे आगे निकेल लेके चलने लगे। इधर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचा दिया तो मुनाफिकों ने एक बहतान खड़ा कर दिया कि देखो नबी की बीवी और
किसी गैर महरम के साथ, बहुत बड़ा बहतान। और इस किस्म के इल्ज़ामात पहले भी दे चुके थे, जैसे सूरह अहज़ाब के अंदर तज़किरा है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हों का निकाह ज़ैनब बिनते जहश से कराया था, और ज़ैनब बिनते जहश को ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक़ दी, और ये अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा थी कि ऐसा ही हो, क्योंकि उस रस्म का ख़ात्मा करना था जो वहाँ रस्म बहुत अहमियत के साथ राइज थी। वो क्या रस्म थी कि कोई किसी को मुंह बोला बेटा अगर करार देता तो उसको हकीकी बेटा समझा जाता, मीरास में भी शरीक किया जाता था। इस रस्म का ख़ात्मा करना था, चूँकि ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, और इस रस्म का ख़ात्मा इस तरह से अल्लाह पाक ने करवाया कि ज़ैद बिन हारिसा के निकाह में ज़ैनब बिनते जहश आईं, और ज़ैनब बिनते जहश को फिर उन्होंने तलाक दी, और इद्दत गुजरने के बाद ज़ैनब बिनते जहश का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। जब आप अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं तो अब वही प्रोपेगेंडे मुनाफिकों ने फैलाए, देखो ये अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। तो कुरान कह चुका था कि नहीं, ये तुम्हारी ज़बान के अल्फाज हैं, ये हकीकी बेटा नहीं है, और इस रस्म का ख़ात्मा करना था अल्लाह पाक ने, इसलिए ऐसा इंतज़ाम हुआ। और आज ये दूसरी कैफियत और दूसरा सख्त हमला था प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और आपके घराने पर। इस तरह से मुनाफिकों ने प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए और बातें फैलना शुरू हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे तो कोई इल्म ही नहीं था इस बात का कि मेरे बारे में इतना वायर तूफ़ान बरपा है। अलबत्त मैं घर में आती, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते, मैं घर में होती तो आप अलैहिस्सलाम जिस तरह से पहले बहुत ज़्यादा खुशतबई से पूछा करते थे, उस तरह से नहीं पूछते थे। मेरे दिल में कोई बात आई कि कोई मामला पेश आया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस तरह से नहीं पेश आ रहे। तो एक मर्तबा मैं एक खातून के साथ रात को बाहर निकली हाजत के लिए, तो उन्होंने मेरे सामने तस्करा किया। जब उन्होंने मेरे सामने तस्करा किया तो तस्करा क्या करना था, मेरे तो पाँव से ज़मीन ही निकल गई। अच्छा, इतना बड़ा तूफ़ान। खैर, मैं घर आई और इस ख़बर को सुनकर बुखार की कैफियत हो गई, गम ऐसा आया। और अगले दिन मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी, तो फिर मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के यहाँ चली गई, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाए, और वहाँ आप अलैहिस्सलाम भी परेशान, घराना सारा परेशान, मेरे वालिद मोहतरम सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो परेशान है, मेरी वालिदा वो भी गमगीन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम भी गमगीन है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा अगर कोई गलती है तो अल्लाह तबारक तआला से इस्तिग़फ़ार कर लो। तो कहा मुझे और इस बात पर और सदमा हुआ और दुख लगा। तो अब मैंने अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना चाहा और वज़ू किया और एक किनारे में चली गई कि मैं अपने रब ही से दरख्वास्त करूं। लेकिन मुझे ये नहीं ख्याल था कि अल्लाह पाक मेरे बारे में कुरान नाजिल करेगा, मेरा ये ख्याल था और अल्लाह से ये मांग रही थी कि अल्लाह मेरे हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कुछ बात डाल दीजिए। तो मैं इसी असना में मशगूल थी कि वही का सिलसिला शुरू हुआ। जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो अब घबराहट और बढ़ गई, न मालूम क्या वही आ रही है। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पसीने के आसार जाहिर होने लग गए। और जब वही का सिलसिला ख़त्म हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इन आयात को पढ़ा, इन अल्लज़ीन जाऊ बिल इफ्क़ उसबतु मिनकुम, ये सूरह नूर का जो दूसरा रुकू है, कि ये सब बड़ा बोहतान है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर डाला गया। ये बोहतान अजीम है जो कायम किया गया, खड़ा किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। और ख़बरदार, मुसलमानों को तंबीह की गई कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे और इस किस्म के बातों में मत आया करो। तो बहरहाल ये बड़े अहम अहकाम हैं। तो ये तो इसका पस मंज़र नुज़ूल के एतबार से है, तो शुरू से लेकर आखिर तक इसका एक एक लफ्ज़ और एक एक आयत जो है वो सुनने की है, समझने की है। बाकी इसमें जो अहकाम हैं, आज हम आपके सामने दो रुकुओं का खुलासा इस पर्चे की सूरत में लिख कर लाए हैं, जिसमें शुरू के जो दो रुकू हैं इनमें अहकाम हैं, वो मैं इजमाली तौर पर ज़िक्र कर देता हूँ और फिर हम आते हैं तर्जमे में।
ज़िना की सज़ा बयान की गई है। पर्चा दे दो बेटा, सबको पर्चा दे दो। वहाँ रखी हुई नहीं है। मुनीब कहाँ गए? देखो इमरान वहाँ, हाँ ये सबको दे दे, ऊपर भी दे दे। जल्दी करें। अल्लाह सल्ली अला सैयदना वल मुहम्मद व अला सैयदना वल मुहम्मद। अब इस सूरह मुबारका की पहली आयत पर आप गौर फरमाएं, आप अंदाज़ देखिए, कुरान मुकद्दस की 114 सूरतों में से किसी सूरत में ये अंदाज़ नहीं है। पहले कुरान के अल्फाज को देखें, जब पर्चा मैं कहूँगा फिर आप उसे देखिएगा। तो ये जो अंदाज़ आया है, ये किसी सूरत में इस अंदाज़ से सूरत का आगाज़ नहीं होता। देखिए, सूरतुन अनज़लनाहा, ये एक सूरत है जिसको हमने उतारा है। किसी भी सूरत के आगाज़ में ऐसा लफ्ज़ नहीं आया, सूरतुन अनज़लनाहा, ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया है, हमने इसे उतारा है। वफ़रज़नाहा, और हमने इसके अहकाम को लाजिम किया है, माना कोई गुंजाइश छूट की नहीं है कि करो तो करो और न करो तो न करो, नहीं। फ़रज़नाहा, फ़र्ज़ समझते हैं ना, लाजमी है। और व अनज़लना फ़ीहा आयातिन, और इसमें हमने उतारी हैं ऐसी आयात, बय्यिनातिन, जो वाज़े हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इबहाम हो, कोई पोशीदगी हो, कोई पेचीदगी हो, कोई फ़लसफ़ा हो, नहीं, साफ साफ खुली आयात। और ये क्यों, हिकमत क्या है उतारने की? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम खूब समझ हासिल करो, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम्हें समझ में आए अल्लाह तबारक ताला के अहकामात की पैरवी करना, ये तुम्हारे दिलों में बैठे। अब यहाँ आप गौर फरमाइए कि अनज़लना, फ़रज़ना, अनज़लना, तीन मरतबा अल्लाह ने अपनी ज़ात की तरफ नस्बत की है, हमने इसे उतारा है। तो जब अल्लाह कह रहा है हमने उतारा है, तो उसका एक एक हुक्म वो हिकमत से खाली नहीं है, हिकमत और धनाई से भरा हुआ हुक्म है, इसलिए कि अल्लाह तो हिकमत वाली ज़ात है। नंबर दो इशारा है, हमने उतारा है तो हम तुम्हारे खालिक हैं, अल्लाह पाक खालिक है, और अल्लाह तबारक तआला मालिक है। जब वो खालिक है तो वो बंदों की ज़रूरियात और मसलहतों को खूब जानता है। वो मालिक है तो वो जो चाहे हुक्म दे सकता है, जो चाहे वो हुक्म दे सकता है। इसलिए फरमाया अनज़लना, हमने उतारा, हमने नाजिल किया। और वह फ़रज़नाहा, और इसके अहकाम को हमने लाजिम करार दिया है, फिर नस्बत अपनी तरफ की है कि कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और वह अनज़लना, फिर दोबारा से ये बात जिक्र फरमाई कि हमने इसमें उतारा क्या चीज़, आयातिन बय्यिनातिन, हमने खुली हुई आयात को उतारा है, वाज़े आयात को उतारा है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब उसके बाद जो पहला हुक्म आया है, अज़ानियतु वज़ानी फ़ज़लिदु कुल्ला वाहिदिन मिन्हुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि। अज़ानियतु, ज़िना करने वाली औरत, वज़ानी, और ज़िना करने वाला मर्द, फ़ज़लिदु कुल्ला वाहिदिन मिन्हुमा मिअत जल्दा, फ़ज़लिदु, मारो, कुल्ला वाहिदिन, उन दोनों में से हर एक को, मैं अत जल्द तीन सौ कोड़े, अगर वो गैर शादीशुदा है तो।
वला तअखुज़कुम, साथ दूसरा हुक्म, तुम्हें न पकड़े बेहिमा उन दोनों से मुतालिक रअफतुन, कोई नरमी, यानी तुम्हें कोई नरमी ना आए, फ़ी दीन इल्लाही, अल्लाह के दीन में, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाही वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और यौम आखरत पर, वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और चाहिए कि हाजिर रहे उनकी सज़ा के वक्त ताइफतुन मिनल मुमिनीन, ईमान वालों का एक गुरोह, ईमान वालों की एक जमात वहाँ हाजिर रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि और ख़त लिखा अपने उम्माल को, अपने गवर्नरों को ये ख़त लिखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में आयत रज्म, रज्म की आयत भी हम पढ़ते थे और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नाफिज़ फरमाया, इस हुक्म को नाफिज़ फरमाया, और ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों, वो जोड़ा शादीशुदा हो, तो फिर तो उनको रजम कर दिया जाएगा, और अगर वो गैर शादीशुदा है तो फिर उन्हें 100-100 कोड़े लगाए जाएंगे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसी किस्म का एक वाकया और भी आया कि एक शख्स ने एक औरत के साथ जिना किया, तो उन्हें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में किताबुल्लाह के ज़रिए से फ़ैसला करूँगा, अल्लाह की किताब से फ़ैसला करूँगा। चुनाचे अल्लाह की किताब से ये फ़ैसला हुआ कि उन में से जो लड़का था, यानी ज़िरा करने वाला, वो गैर शादीशुदा था, उसको 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया, और जो औरत थी वो शादीशुदा थी, उनको रजम करने का हुक्म दिया। तो आप अलैहिस्सलाम के फ़ैसले से जो आपने जुमला इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में किताबुल्लाह के ज़रिए से फ़ैसला करूँगा, अब किताबुल्लाह के ज़रिए से फ़ैसला करूँगा तो क्या हुआ कि जो जिना करने वाला, यानी जिस जो गैर शादीशुदा था, तो उसको आपने कोड़े लगाए, और ख़ातून शादीशुदा थी तो उसको आपने रजम करने का हुक्म दिया। रजम करने का माना पत्थर मार मार कर संसार कर देना, जान से ख़त्म करना, ये है शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाएगा। फिर इसमें कोई शक नहीं, ये सज़ा बहुत शदीद तरीन सज़ा है, सख्त सज़ा है, 100 कोड़ों की सज़ा भी सख्त और इसी तरह से रजम की सज़ा भी सख्त। लेकिन ये बात ज़हन नशीन फरमाइएगा कि जहाँ सख्त सज़ा है वहाँ शरायत भी बड़े सख्त हैं, शरायत भी बड़े कड़े हैं। शरायत किस किस्म के हैं? चुनाचे उस वक्त तक हद साबित नहीं होगी, रजम नहीं किया जाएगा किसी को या कोड़े नहीं लगाए जाएंगे जब तक वो 4 मरतबा अज खुद इकरार न करे, और 4 मरतबा जो इकरार करेगा वो भी साफ साफ इकरार करेगा, या 4 गवाह उस पर मौजूद ना हो, और 4 गवाह भी हल्के गवाह नहीं, नेक आदिल मजबूत गवाह चाहिए, और 4 गवाह भी साफ साफ इजहार करेंगे कि हमने ये जुर्म होता देखा। अगर उन 4 गवाहों में से कोई एक शख्स ये कह दे कि हमने मुश्तबे हालत में देखा, हद नहीं लगेगी। अब मैं एक वाकया सुनाता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हद किस तरह से नाफिज की, इकरार पर कैसे नाफिज की। एक शख्स आए माइज असलमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब उन्होंने इकरार किया कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ, आपने फरमाया वही हक फस्तग़फिरुल्लाह वतुब अलैह, क्या कह रहे हो, इस्तग़फार करो, तौबा कर लो। फिर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर दिया, दूसरी तरफ से आए, फिर कहा अल्लाह के रसूल मुझसे जुर्म हुआ, ताहिर नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप मुझे पाक कीजिए, यानी मेरे ऊपर हद जारी कीजिए। एक शख्स अपने आप को हद के लिए पेश कर रहा है, आखरत का खौफ उसे दामनगीर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से, आपकी तरबियत के नतीजे में आखरत का डर उसे इतना है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा ये जुमला इरशाद फरमाया, फिर तीसरी बार वो आके कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझसे जुर्म हुआ, मुझे पाक कीजिए,
फिर आपने वही जुमला इरशाद फरमाया। फिर चौथी मरतबा उसने कहा, हाँ तीसरी मरतबा जब हो गई बात तो अगर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उसे मुतनब्बे फरमाया, कहा सुन लो अगर चौथी बार इकरार तूने किया तो उसके बाद हद लगेगी, फिर खुलासी नहीं है। उसने फिर इकरार किया, चौथी बार भी इकरार कर लिया। अब सुनिएगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस जुर्म की तहकीक किस तरह से की, आप अल्फाज पे गौर कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला उसने एक खुद इकरार किया, नंबर दो अगर सिद्दीक ने मुतनब्बे फरमाया कि देख लो इसके बाद खुलासे नहीं होगी, नंबर तीन रसूलुल्लाह ने ये जुमले इरशाद फरमाए लअल्लक कब्बलता, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ बोसो किनार किया और उसको तूने जिना समझो, या कहीं ऐसा तो नहीं है नज़र था या आपने देखा हो उसको, या कोई आपने छेड़छाड़ की और उसको आप जुर्म समझ रहे हो, है तो जुर्म है लेकिन हद वाला जुर्म समझ रहे हो। उनका नहीं लगे रसूल मुझसे जुर्म हुआ, गुनाह हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने जो चौथा जुमला पूछा, क्या तू हम बिस्तर हुआ उसके साथ, उसने कहा जी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जामा था, पांचवा लफ्ज कि क्या तूने जमा किया है, उसने कहा जी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सरी जिना का लफ्ज पूछा, क्या तूने जिना किया है, सरी लफ्ज पूछा। अल्लाह अकबर, इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझसे जुर्म हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फिर मजीद पूछा, वजाहत देखिए मैं बात यह अर्ज कर रहा हूं कि जुर्म की सजा सख्त है, लेकिन आप देखिए उस जुर्म के सबूत के लिए किस कदर आपने तहकीक से काम लिया, किसी भी जगह जगह पर अगर वो जरा सा नरम पहलू इख्तियार कर लेता तो हद साकित हो जाती, हद ना होती उसे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इरशाद फरमाया कि क्या ऐसा हुआ कि तेरा उज़ उसमें गैब हुआ, जी अल्लाह के रसूल, इतनी सराहत। फिर यहाँ तक कि क्या ऐसा हुआ जिस तरह से सिलाई सुरमा दाने में होती है, ऐसा हुआ जैसे कि रस्सी जो है वो कुएं के अंदर जाती है, ऐसा हुआ, उनका हाँ अल्लाह के रसूल। फिर आपने पूछा क्या तुम जिना जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तू किसी और शय को जिना समझ बैठा हो, उसने कहा अल्लाह के रसूल वही काम जो शोहर अपनी बीवी से हलाल तरीके से करता है वो मैंने हराम तरीके से किया। अब अगली बात सुनिए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि क्या तूने शराब तो नहीं पी हुई है कि कोई इस किस्म की बातें कर रहा हो। एक शख्स उठा और उन्होंने कि मुंह सूंघ लिया कि कहीं शराब की बूंद नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर आपने रुफका से कहा, अपने साथियों से, कि ये जब आ रहा था तो इसको पीछे ही कर देते, ये मेरे पास ना आता, इसलिए कि मेरे पास इकरार करने के बाद अब खुलासे की कोई सूरत नहीं। जब ये सारे शवाहिद और ये सारे इकरार उसकी ज़बान से आपने सुन लिए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया इसे ले जाओ रजम कर दो, चूँकि शादीशुदा था, रजम कर दो, पत्थर मार के हलाक कर दो। अब ले गए उसे, सहाबा ले गए, और जब संसार करना शुरू किया तो जाहिर है पत्थर जब पड़ने शुरू किए जिस्म पर लगे दाएं बाएं भागा, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। अल्लाह अकबर, ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, जहन्नम की आग से बचने के लिए, आखरत के अजाब से बचने के लिए, कि यहाँ सज़ा हो जाए आखरत की सज़ा से बच जाऊँ, इसलिए कि वो दर्दनाक सज़ा है, वो बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। और सहाबा कहते हैं कि यूं भागे और सामने से एक सहाबी ने एक बड़ी सी हड्डी, ऊंट की रान की बड़ी हड्डी, वो दे के मारी और गिर गई और ख़त्म हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई, जाहिर है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की आंखों से आंसू आए, लेकिन चूंकि हद है इसमें कोई समझौता नहीं है, कोई नरमी इसमें नहीं है। तो अब इस जुमले को ज़रा ज़हन नशीन फरमाइएगा, आपने फरमाया जब वो भागा था तो तुमने छोड़ उसको क्यों ना दिया,
शायद वो किसी जगह पर अपने इकरार से रुजू कर लेता। यानी अगर वो यूँ कहता कि नहीं मैंने झूठ बोला, मैंने गलत बयानी की है, तो जान छूट जाती उसकी। बाकी मामला उसका और उसके रब के दरमियान का होता। अगर वो यूँ बोल देता कि मुझसे गलती हो गई है इकरार करने में, नहीं ऐसा नहीं था। तो इसलिए हदीस में आया हदूद के मुतालिक, अल हदूद तंदर व शुबहात, शकूक और शुबह की वजह से हद नहीं लगेगी, साकित हो जाएगी। और फिर उसी असना में उनके खून के फवारे जब उठे तो किसी के बदन पर पड़े, तो किसी ने उस खून को ज़रा नापसंदीदा समझा। आप अलैहिस्सलाम को इसकी भी इत्तला हुई तो आपने इरशाद फरमाया तुम्हें नहीं मालूम। इसकी ऐसी तौबा थी कि अगर ये तौबा पूरे मदीने वालों पर तकसीम कर दी जाती तो सब के गुनाह माफ़ हो जाते। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये हैं सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इनका मेयार हक होना ये है कि जुर्म हुआ उस वक्त तक चैन नहीं आया जब तक अपने आप को ख़त्म ना कराया। ये खौफ देखा, अल्लाह तबारक ताला का डर और अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत दिल में ऐसी है कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, इस दुनिया के अंदर जो हद लगती है, जो सज़ा नाफिज होती है हो जाए, आखरत की सज़ा से मैं बच जाऊँ, आखरत में मेरी जिल्लत और रसवाई ना हो। इसी तरह से एक औरत का किस्सा है, इमरा गामदिया, उसका वाक़या है। वो भी आई अल्लाह के रसूल, मुझसे जुर्म हुआ है, इकरार किया उसने। अब उसके पास चूंकि एक तो इकरार है और इकरार के साथ साथ हमल भी है, और उसने इसका भी इजहार किया कि ये हराम का है, तो आप अलैहिस्सलाम ने पहले वहाँ पर भी वही जुमले कहे कि इस्तग़फिरिल्लाह, अल्लाह से इस्तग़फार करो। कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कीजिए। जब चार मरतबा उसने इकरार किया तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बच्चे का क्या होगा, जाओ जब ये पैदा हो जाए फिर आना। कोई एंट्री आपने नहीं की, कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, किस ख़ानदान से आई है, पता नहीं दोबारा वापस आए ना आए। तो दोबारा उसे लाने वाली चीज़ क्या है, अल्लाह का डर, ईमान। तो दोबारा जब बच्चा पैदा हुआ फिर आई और फिर आकर गया, फिर आपने फरमाया अब इसकी तरबियत कौन करेगा, इसे दूध कौन पिलाएगा। और एक रवायत में यूँ भी आया है कि फिर वापस चली गई, फिर उस वक्त आई और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल अब ये इस काबिल हो गया कि अल्लाह इसकी खुद हिफाजत करे और ये अपने आप को संभाल सकेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस पर भी हद को जारी फरमाया। किसी भी मामले में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नरमी से काम नहीं ली, क्योंकि हुदूद है, हुदूद में कोई समझौता नहीं। किसास में अगर मकतूल के वरासा दरगुजर कर दें तो ठीक है, किसास माफ़ हो जाएगा, दियत पर राज़ी हो जाएं, ठीक है, बात बन जाएगी। किसी के आज़ा किसी ने काट दिए, हाथ काट दिया तो हाथ के बदले में हाथ कटेगा, लेकिन जिसका हाथ कट गया अगर वो कहे मैं माफ़ करता हूँ, माफ़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ किसी के घराने पर किसी ने हमला किया और बदकारी के अंदर अगर कोई मुबतला हुआ, गो के वो माफ़ कर दे, तब भी यहाँ माफ़ी नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म का समझौता नहीं। लेकिन शरायत भी इतनी कड़ी हैं, सख्त शरायत हैं, हद जारी करने के शरायत भी बड़े सख्त तरीन हैं। जैसे सज़ा सख्त है, इसी तरह से शरायत भी सख्त है। और चार, अगर ये तो इकरार है, चार बार इकरार करना, अगर चार इकरार नहीं हुए चार बार तो चार गवाह होने चाहिए। और गवाहों को भी समझाया गया कि देखो गवाही देनी है उसी तरह से जो वो अल्फाज थे कि इस तरह से गवाही दोगे कि जिस तरह से सुलाई सुरमादानी के अंदर होती है, ये गवाही दोगे। कोई ये कहेगा कि मुश्तबे हाल में पकड़ा गया, नहीं, इस पर हद ही लगेगी। यहाँ तक कि फिर गवाही देने वालों को समझाया कि ख्याल करना, अगर तुम झूठे साबित होगे तो तुम्हें 80-80 कोड़े मारे जाएंगे। ये अहकाम इतने शदीद और सख्त इसलिए कि इस्लामी माशरे के अंदर किसी की इज्जत कितनी मुकद्दस चीज़ है, एक पाकदामन औरत की इज्जत कितनी मुकद्दस चीज़ है, कि किसी पर कोई झूठा इल्ज़ाम कायम करके उसको बदनाम करने की कोशिश करे उसको भी सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। और फिर ये सज़ा इतनी सख्त क्यों है, इसको ज़रा ज़ेर नशीन फरमाइए। अब जो पर्चा है आप इसको ज़रा देखिए एक नज़र से, मैं आपको दूसरी तरफ देखिए, जहाँ लिखा है इंसिदादे ज़िना की हुदूद, नज़र आ रहा है,
अब आप ज़रा मेरी तरफ देखें, मैं समझाता हूँ। ये सख्त शर्त, इतनी सख्त सज़ा क्यों है? इसलिए कि जिना से रोकने के लिए जो पहले से शरीयत ने बाड़े लगाई हैं वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हमने 15 वो बाड़ जिक्र की हैं, 15 रुकावटें शरीयत ने खड़ी की हैं। एक आदमी उन 15 रुकावटों को तजावज़ करके जब आगे जाता है तो उसको फिर तो चूरा चूरा कर देना चाहिए। अब देखिए क्या 15 रुकावटें क्या हैं। इस्लामी माशरे में इंसिदाद जिनाह के लिए ताज़ीरी कानून यानी रजम और सो कोड़े पर ही इन्हिसार नहीं बल्कि रोकथाम के लिए दीगर अहम उमूर है। नंबर एक, आदमी इस गुनाह से के करीब न जाए। अच्छा, उस गुनाह से रोकने के लिए पहला सबब क्या है? इस्लाह नफ्स और खौफ खुदा और आखरत में मसूलियत का अकीदा दिया कि तुम अपनी इस्लाह करो, आखिरत में अल्लाह तुमसे पूछेगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। अच्छा, जिसके दिल में अल्लाह का डर है तो इस गुनाह से बच जाएगा। नंबर दो, फिर ये जो ख्वाहिश है, इस फितरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकाह के रास्ते आसान बनाए, निकाह के रास्ते आसान बनाए। कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं, कोई बड़ा खर्च नहीं है। मर्द के जिम्मे क्या खर्च है? महर का खर्च है। वलीमे का खर्च फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब का दर्जा, मसनून का दर्जा, करें तो सवाब, न करें तो कोई गुनाह नहीं। महर, महर भी कोई बड़ी भारी रकम नहीं है। महर कम अज़ कम रखें या जितना रखें आप अदा कर सकें वो आप रखें। तो इस तरह से निकाह के रास्ते भी आसान बनाए, बहुत आसान बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अज खुद भी करके और सहाबियात और सहाबा के निकाह करा कर आपने बतलाया कि निकाह के मामलात को आसान रखा जाए। नंबर तीन, एक बीवी पर अगर कोई इन्हिसार नहीं कर सकता तो चार की इजाज़त दी कि अगर उसकी ज़रूरत एक जगह से पूरी नहीं होती है तो शरी तरीक़ा है, चार कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, लेकिन गुनाह की तरफ ना जाए। गोया कि ये भी एक रुकावट खड़ी की। नंबर चार, मियाँ बीवी में अगर बाहमी मोहब्बत कायम ना हो सके, यानी मोहब्बत होगी तो ये अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, अगर मोहब्बत ही नहीं है और अगर इसकी ज़िंदगी तंग है, ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तो एक हद तक कोशिश के बाद तलाक और खुला के रास्ते हमवार किए। तलाक का रास्ता बतलाया कि भाई ठीक है आप इसे छोड़ दें, तलाक दे दें, आप दूसरी जगह निकाह कर लें। औरत अगर नहीं रहना चाह रही है, यहाँ उसकी ज़रूरत अपनी पूरी नहीं हो रही है और वो अपनी जिनसी तस्कीन यहाँ पूरी नहीं कर पा रही है, तो वो खुला का दावा दायर करके खुला ले ले इससे। ऐसा तो नहीं है कि सारी ज़िंदगी अपने आप को यहीं वो मजबूर रख ले। अच्छा, नंबर पाँच, हुक्म दिया बेनिकाहों के निकाह कराओ, माशरे में कोई बेनिकाह न छोड़ो ताकि माशरे में बेहयाई ना फैले। وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, जो तुम्हारे माशरे में बिन निकाह के लोग हैं, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, उनके निकाह करा दो। कोई माशरे के अंदर बेनिकाह नहीं रहना चाहिए, कोई माशरे में बेनिकाह न रहे, न मर्द न कोई औरत। और ऐम का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, ये आगे आएगा, ऐम कहा जाता है वो कि जिसका निकाह होकर बीवी मर गई है तो ये, या इसी तरह से जनाब शोहर मर गया तो औरत बेवा रह गई, इसको ऐम कहा जाता है। यानी इस्लाम ये कहता है कि अगर औरत बेवा हो गई है तो इद्दत गुजरने के बाद उसके निकाह में भी आप ताखीर न करें, इसलिए कि एक माशरे के अंदर उसको एक ज़रूरत है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने में मर्द की मोहताज है और एक मर्द अपनी ज़िंदगी गुजारने में औरत का मोहताज है। ये फितरत है, फितरत से न टकराओ, फितरत से लड़ाई न करो, न टकराओ। कोई आदमी इस फितरत के बगैर न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आए, आपने पूछा तूने शादी की है? उनका नहीं की है। गरीब आदमी हो? कहा नहीं गरीब तो नहीं हो। कितना माल है? इतना इतना माल है। आपने फरमाया तुम तो शैतान हो फिर, कि इतना इतना माल है तुम फिर शादी क्यों नहीं कर रहे हो? सख्त डांट आप अलैहिस्सलाम ने कि माशरे के अंदर बेनिकाह न रहो, कहीं किसी गुनाह और फितने में मुबतला ताकि न हो जाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माहौल और माशरा था, वहाँ तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ तो बेनिकाह रहने का तसव्वुर भी नहीं था। अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है और औरत 50 साल की भी है तो भी निकाह का पैगाम आ जा रहा है।
और इसमें कोई कबाहत और कोई शनाअत और कोई बुराई नहीं थी। अल्लाह अकबर। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद पैगाम लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँचते हैं, हज़रत उस्मान के पास पहुँचते हैं कि मेरी बेटी जो है वो बेवा हो गई है, अगर आपको निकाह की रग़बत है तो निकाह करा दो। हमसे ज़्यादा वो गैरतमंद लोग थे, लेकिन हकीकत समझते थे, ज़रूरत समझते थे, फितरत समझते थे कि उस फितरत से टकराव नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं कहा मैं इतने बड़े मकाम का आदमी हूँ, मैं कैसे पेशकश करूँ, ख़ुद पेशकश की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे हाजत नहीं, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। कुछ वक्त के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पैगाम गया है तुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ कि आपकी बेटी हफ्सा से मैं निकाह करना चाहता हूँ। इससे बढ़कर क्या इज़्ज़त थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। उसके बाद एक मरतबा हज़रत उमर ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि मुझे, बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़ुद पूछा कि उमर तुझे शायद तकलीफ़ हुई थी जब आपने मुझे पेशकश की थी। हाँ बिल्कुल हुई थी, उस्मान ने तो मना कर दिया, आपने तो कोई जवाब ही ना दिया। तो कहा दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने ज़िक्र किया था कि आप हफ्सा से निकाह की ख्वाहिश रखते हैं, वो रसूलुल्लाह का राज था, इसलिए मैंने नहीं जाहिर किया। मैंने कहा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना निकाह किया तो फिर मैं कर लूँगा, लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश करना भी मुझे अच्छा ना लगा। तो पता चला कि ये राज की बातें हुआ करती हैं। आपसे अगर कोई मशवरा करता है कि मैं फ़लाँ जगह रिश्ते का पैगाम भेजना चाह रहा हूँ तो ये राज की बात है, जब तक जाहिर ना हो उसको फैलाना नहीं चाहिए लोगों में। और एक बात हमें ये भी पता चली है कि अगर किसी जगह पर एक रिश्ते का पैगाम गया हुआ है तो हमें वहाँ पैगाम नहीं भेजना चाहिए। साफ साफ फरमाया कि किसी अपने मुसलमान भाई की मंगनी पर मंगनी मत किया करो। तो आप अंदाज़ा करें कि किस कदर इसका अहतमाम किया। नंबर 5, बे निकाहों के निकाह कराने का हुक्म। नंबर 6, क्या रुकावटें खड़ी की हैं इस बेहयाई के रास्ते के सामने अल्लाह पाक ने। ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दिया, या यो नबी कुल अजवाजी का बनाती का व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबी बिहिन्न। ए नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मुसलमान औरतों से ये कह दीजिए जब घरों से बाहर निकला करें तो अपने सामने चादरें लटका दिया करें। ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया? ये इसीलिए दिया ताकि माशरे के अंदर बेहयाई ना फैले। और इसी तरह से फिर इरशाद फरमाया, या निसा अन नबी लस्तुन्न का अहद मिन निसाइन तकैतुन्न फला तखज़ान बिल कौल। बात करने का सलीका औरत को सिखाया कि जब आप गैर महरम से बात करो तो बात में नरमी न करना। क्यों? फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कहीं ऐसा ना हो कि जिससे तुम बात कर रही हो उसके दिल में कोई बुराई पैदा हो जाए, तुम्हारी नरमी से, तुम्हारे इस नरमपन से कहीं उसके दिल में कोई बुराई ना पैदा हो जाए। यहाँ शरीयत ने रुकावट खड़ी की है, बात के सामने रुकावट खड़ी की है। ज़रूरत के तहत तुम बात कर सकती हो गैर महरमों से, ये खिलखिलाकर और हंसकर और हंसी और मजाक की बातें करना, वो औरत जो गैर महरम के साथ हंसी और मजाक से बात करे तो जायज़ ही नहीं। सूरह हुजरात में एक बड़ा अहम हुक्म आया, गौर कीजिएगा इस हुक्म का फ़लसफ़ा समझें। ला यसखर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम, कोई मर्दों की जमात किसी मर्दों की जमात का मजाक न उड़ाए, कोई औरतों की जमात किसी औरतों की जमात का मजाक न उड़ाए। मुफस्सरीन ने लिखा है यूं क्यों नहीं कहा कि ए ईमान वालों एक दूसरों का मजाक न उड़ाओ, ये भी तो कह सकते थे। जैसे बेशुमार अहकाम के अंदर इसी तरह से अल्फाज आते हैं, लेकिन मर्दों को अलग औरतों को अलग, तो इशारा इस बात की तरफ है कि मर्द और औरत का इख्तलात तो जायज़ ही नहीं है। ये बारीक नुक्ता है यहाँ पर, इसलिए मर्द मर्दों का इख्तलात मर्दों के साथ होगा, औरतों का औरतों के साथ होगा। तो इसलिए हुक्म दिया। नंबर 7, अजनबी मर्द और औरत का इख्तलात ममनू, एक जगह जमा होना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला ला यखलुवन रजुलुन बिइम्रातिन, खबरदार कोई मर्द अजनबी औरत के साथ एक जगह पर जमा न हो, अगर जमा होगा तो तीसरा वहाँ शैतान होगा।
आज हमारे माशरे में कहा जाता है कि नहीं, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों और माँ और बहनों, इस्लाम ने जो रुकावटें खड़ी की है ना, उन रुकावटों की पासदारी करो, उन हदूद को तजावज़ ना करो, उन हदूद कोई माँ को माशरा जब फलांग के आगे निकलता है तो अल्लाह का गज़ब और अल्लाह की गैरत भड़कती है। फिर तो इसलिए इख्तिलात ममनू है, मर्द और औरत का इख्तिलात हरगिज़ जायज़ नहीं है। किसी अजनबी का अजनबी के साथ इख्तिलात, चाहे तालीमी इदारों के अंदर हो, चाहे किसी और इदारे के अंदर हो, दफातर में हो, इस किस्म का इख्तिलात मर्द का अजनबी, मर्द का अजनबी औरत के साथ एक जगह बैठना जायज़ नहीं। पर्दे खड़े किए, रुकावटें सामने खड़ी किए और फरमाया खबरदार कोई औरत, अजनबी औरत, कोई औरत सफ़र न करे अकेले में बग़ैर महरम के, सफ़र न करे, 3 दिन से ज़ायद का सफ़र न करे, सफ़र शरी न करे। उसको कितना भी अमन हो जाए, आप जानते हैं और आप ख़वातीन माँ बहनें भी जानती हैं इस बात को कि हज उस वक़्त तक औरत पर हज फ़र्ज़ नहीं होता, साहिब माल है, जब तक अपना और अपने साथ महरम का ख़र्चा न रखे। मर्द पर तो हज फ़र्ज़ हो जाएगा जब अपनी ज़ात का ख़र्चा उसके पास मौजूद है, आने जाने का और जितना वक्त वहाँ रहेगा घर का ख़र्चा मौजूद है। औरत पर एक इजाफी ख़र्चा भी है कि अपना भी हो और अपने साथ महरम को भी ख़र्चा हो। कितना मुक़द्दस सफ़र है, लेकिन शरीयत ने यहाँ पाबंदी लगाई है कि ये महरम साथ जाएगा तो इसका हज अल्लाह मकबूल है। और ये तवील तवील सफ़र जो बग़ैर महरम के होते हैं, कि आजकल तो सफ़र तो मसला ही नहीं है, तो ये क्या है? ये शरीयत के हुदूद को पामाल करना है, ये तबाह करना है। वो नमाजी भी है, वो रोज़ेदार भी है, वो तहज्जुद गुजार भी है, लेकिन वो सफ़र कर रही है, कितने गुनाह की बात है। तो इसलिए ये इख्तिलात ममनू है। नंबर 8, मुसलमान औरतें बिला ज़रूरत बाहर न निकलें। वक़र नफ़ी बुयूते कुन, अपने घरों में रहा करो, ना निकला करो बग़ैर ज़रूरत के। और अगर निकलना भी है, नंबर 9, वला तबर्रज न तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि बनाओ सिंगार करके मत निकला करो, बनाओ सिंगार करके निकलना ये जाहिलियत की ज़िंदगी है, ये जाहिला औरत है जो बनाओ सिंगार करके बाहर निकले। कौन अपने आप को जाहिला कहेगी? जो तो कहेगी मैं तो पढ़ी लिखी, मैंने तो इतनी डिग्रियां हासिल की है, मैंने तो इतना पढ़ा है, लेकिन कुरान की नज़रों में वो जहालत की ज़िंदगी गुजार रही है अगर वो बग़ैर हिजाब के बाहर निकल रही हो तो। और नंबर 10, मर्द से बात करें तो लहजा नरम ना हो, बिल्कुल नरम लहजा नहीं। वकुल न कौलम मारूफा, कुरान कहता है नरम लहजा भी ना हो और साफ सुथरी बात हो, खुरदरी बात हो। एक जुमले से अगर ज़रूरत पूरी हो रही है, एक जुमला बोलो, दूसरा ना बोलो। 2 से पूरी हो रही है, तीसरा जुमला ना बोलो। नंबर 11, ज़रूरत से ज़्यादा बात ना हो। नंबर 12, मर्द औरतों से अगर चीज़ ले तो पर्दे के पीछे से। वैदा साल तुमुन मतान फस अलुन मिन वरा हिजाब, फस अलुन मिन वरा हिजाब, कि अगर मर्दों को गैर महरम औरतों से कोई सामान, कोई चीज़ लेने की हाजत पेश आए, नौबत पेश आए, तो कहाँ से? पर्दे के पीछे से। औरत का हाथ मर्द को नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से हो। तो इसलिए कहते ना कि हाथ, हाथों का भी पर्दा है, चेहरे का भी पर्दा है, पैरों का भी पर्दा है, आवाज़ का भी पर्दा है। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा कीजिए, सूरतुन नूर के अंदर वला यग़रिबन बिअर्जुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन आगे आएगा, औरत जब चले तो चलने की आवाज़ भी गैर महरम के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। और इसके जिस्म में अगर कोई जेवर है तो उस जेवर के बजने की आवाज़ गैर महरम के कानों पर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर भी शरीयत ने रुकावट खड़ी की है, रुकावट है। उसके बाद गज़े बसर, नंबर 13, गज़े बसर, नज़रों से को झुकाने का हुक्म दोनों तबकों को, मर्दों को भी औरतों को भी, ताकि कोई ख़राबी पैदा ना हो माशरे के अंदर, सूरह नूर में आगे आएगा। और नंबर 14, एक बदकार को सज़ा देकर दीगर बुरी सोच रखने वालों का नफ्सियाती ऑपरेशन कर दिया।
क्या मतलब कि माशरे में जो ऐसा बद किरदार पाया जाए उसको सख्त तरीन सजा दी जाए, और ये सजा क्यों, ताकि बाकियों के लिए रुकावट रहे, बाकी कोई इस जुर्म के करीब ना आए। नंबर 15, सजा के निफाज में नरमी और माफी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो जुर्म करने वाला कहता कि चलो मैं सिफारिश डालूंगा, मैं माफ करवा दूंगा, लेकिन कहा नहीं, इसमें कोई भी नरमी और समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यूं समझिए कि इस जुर्म के सामने, इस जिना जैसे बेहयाई के सामने 15 रुकावटें शरीयत ने खड़ी की हैं, 15 रुकावटें। फिर भी अगर इन तमाम की तमाम रुकावटों को तोड़कर फलांग कर कोई आगे जाता है, एक जानी और जानिया इन तमाम हदूद को पामाल और तजावज करके जब बदकारी करते हैं, तो अल्लाह का गज़ब जाहिर है, फिर अल्लाह का गज़ब जाहिर है। इसलिए ये जो 15 बातें हैं ये ज़हन नशीन करने की हैं, और इन तमाम बातों पर अमल करना है। ये हदूद है, ये सारी हदूद है, ये 15 रुकावटें शरीयत ने खड़ी की हैं, लिहाजा किसी रुकावट को न फांदा जाए। और ये बात भी ज़हन नशीन कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूब मिसाल देकर इरशाद फरमाया। एक बादशाह, उसकी चरागाह होती है, और चरागाह के आसपास जो आदमी जानवर लेके जाता है, बादशाह की चरागाह के आसपास अपना जानवर लेके जाता है, तो जानवर है, वो जानवर कहीं ऐसा ना हो कि चरागाह के अंदर दाखिल हो जाए और फिर तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई हो। इसलिए ये जो गुनाह हैं ये बादशाह की चरागाहों की तरह है। इस बेहयाई के करीब अगर कोई आदमी अपने आप को लेके जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि बेहयाई के अंदर पड़ जाए, वाकिया हो जाए। इसलिए कुरान कहता है वला तकरबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा, सूरह बनी इसराइल के अंदर, जिना के करीब तक न जाओ। करीब तक न जाने का क्या मतलब है, ये जो रुकावटें खड़ी की हैं इनमें से किसी रुकावट को मत तोड़ो। गोया कि एक आदमी ने अगर देखा अजनबी की तरफ, नजरें मिली, तो ये क्या किया उसने, ये जिना के करीब हो गया। इसलिए हदीस पाक में आता है अलैनान तजनियान, आंखें भी जिना करती हैं, और आंखों का जिना क्या है, नजर है, और हाथ भी तजनियान, हाथ भी जिना करते हैं, और हाथों का जिना किया है, पकड़ना है, गैर महरम को छूना है। पाँव का भी जिना है, वो क्या जिना है, गैर महरम की तरफ चलकर जाना है। जबान का जिना है, गैर महरम से बिला जरूरत के बात करना है। इन सब चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करार दिया, जिना करार दिया। तो इसलिए अपनी सोचों को पाक साफ रखने की ज़रूरत है, अपने माशरे को पाक साफ रखने की ज़रूरत है, और जो शरीयत के अहकाम हैं दिल व जान से आदमी का आमन्ना व सद्दकना, मुझे ये सब अहकाम कबूल है। वहाँ माशरा वो है जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता माशरा है, और वहाँ ख़वातीन वो हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सहाबियात हैं, जो अजवाज मुतहरात हैं। वहाँ पर्दे का हुक्म है, तो यहाँ आज के इस दौर के अंदर जहाँ हर तरफ बेहयाई और रियानी और फहाशी हो, और यूरोप की तरफ से ऐसे रोज़ाना नए नए नित तरीक़े आ रहे हों बेहयाई के इर्तिकाब के, और मर्दों और औरतों को करीब करने की कोशिश की जा रही हो अजनबियात को, और नाम दिया जाए किसका, तजद्दुद का नाम दिया जाए, रोशन ख्याली का, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। ये कौन सा ख्याल रोशन हो गया, ये कौन सा ख्याल रोशन हो गया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को तोड़कर, ये कौन सी रोशन ख्याली है, ये कौन सी तरक्की है। आज लोग समझते हैं कि इस्लाम, इस्लाम जो है वो दुनिया की तरक्की में रुकावट बन रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, ये जुमला मुसलमानों की ज़बानों पर जब आता है तो बड़ा दुख और सदमा होता है, और ये जुमला मुसलमानों का अपना नहीं है, ये गैरों का जुमला है, ये गैरों का जुमला है कि नहीं तुम्हें तरक्की करनी चाहिए, और तरक्की के लिए तो इस्लाम रुकावट है, लिहाजा इस्लाम, इस्लाम को तुम महदूद रखो, नमाज तक, रोज़े तक, हज, ठीक है ना, तुम मुसलमान हो बस, इस तक तुम्हारा इस्लाम रहना चाहिए, बाकी ये मामलात है ज़िंदगी, इसमें तो हम खुद मालिक हैं, क्या करें जी, इसके बगैर चारा कार नहीं है। आजकल के ज़माने में मुमकिन नहीं है,
आजकल के ज़माने में मुश्किल हो गया। तो जो आदमी ये कह रहा है आजकल के ज़माने में मुमकिन नहीं है, पर्दे के ये सारे अहकाम मुमकिन नहीं है, तो मैं एक बात कहा करता हूँ, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकल कुफर कुफर नबाशद। वो गोया कि यूँ दावा कर रहा है कि शरीयत अब नहीं आनी चाहिए इसलिए कि कोई नए अहकाम आए। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पुरानी हो गई माज़ल्ला। याद रखिएगा कि कुरान मुकद्दस के उसूल और ज़ाब्ते क़यामत तक इंसानों की तरबियत करते हैं, क़यामत तक के इंसानों की तरबियत करते हैं। और कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक तआला किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। ये सारे के सारे अहकाम मुमकिन हैं जब ही अल्लाह पाक ने हुक्म दिए, जब ही अल्लाह ने हुक्म दिए। और अल्लाह पाक ने शुरू कहाँ से कराया? नबी के घराने से शुरू कराया, या यो नबी कुल अज़वाजी का, ऐ नबी आप अपनी घर वालियों से पहले कहिए, यहाँ से शुरू करते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से आगाज़ फरमाया। तो आइए इन सब बातों को सुनने के बाद आज से हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, हम अपने घरों की ज़िंदगी को बदलें। मेरी माएँ बहनें, मेरी बेटियाँ, उन सब से मेरी इल्तिजा और दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक के इन कवानीन की पाबंदी करें। और याद रखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी ये है कि जिस माशरे के अंदर बेहयाई और उरियानी जब आम हो जाती है तो तरह तरह की अमराज जन्म लेती हैं, वहाँ पर किस्म किस्म की बीमारियाँ, कहत सालियाँ और जनाब रिज़्क़ की तंगी में मुबतला कर दिए जाते हैं वो माशरे। और इस किस्म के बेहया माशरे जो होते हैं वो दुनिया के अंदर पनप नहीं सकते, अल्लाह पाक की तरफ से जल्द अजाब आ जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा जो कुरान में जा बजा आता है, क्या है? बेहयाई तो है, बेहयाई तो है। जिन्स परस्ती का मर्ज उस कौम के अंदर था और बेहयाई के उरूज पर थी, तो ये समझाया कि जो कौम बेहयाई के इस उरूज पर हो अब वो दुनिया के अंदर जीने का हक़ नहीं रखती, उनके लिए ज़मीन के नीचे ही चले जाना चाहिए, क्योंकि माशरे को, अल्लाह की धरती को उस गिलाजत से और गंदगी और नजासत से पाक किया जाता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों को पाक रखें, अपने जहनों को भी पाक रखें, तो अल्लाह पाक के जो अहकाम हैं दिलो जान से उन्हें आदमी कबूल करे। अब सूरतुन नूर की आयात में आप आइए, फिर हम तशरीह करते हैं यहाँ से। अज़ानियतु वज़ानी, पहली आयत की तशरीह हो चुकी, दूसरी आयत अज़ानियतु वज़ानी, अज़ानिया जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द। अल्लाह अकबर, एक बड़ा अहम नुक्ता है, ज़ेहन नशीन फरमाइएगा। सूरतुल माईदा छठे पारे के अंदर सज़ा आई है चोरी की, अस्सारिक वस्सारिकतु फक्तअउ अयदीहुमा, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों के हाथ काटती रहे, सीधा सीधा हाथ कट जाएगा दोनों सीधे हाथ। यहाँ क्या फरमाया? जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द दोनों दोनों अगर गैर शादीशुदा हैं तो उनको 100-100 कोड़े लगा दिए जाएंगे। क्या फ़र्क समझ में आया दोनों में? शाबाश, यहाँ औरत का जिक्र आया पहले, वहाँ मर्द का जिक्र आया पहले। वहाँ कहा कि चोरी करने वाला मर्द और औरत उन दोनों के हाथ कट जाए, यहाँ कहा जिना करने वाली औरत और मर्द दोनों को 100-100 कोड़े लगा दिए जाए। क्यों? इसलिए कि जिना जैसा बदतरीन और कभी जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बदतरीन जुर्म है, लेकिन जब ये औरत से सादिर हो जाए तो और ही बदतरीन है। इसलिए औरत का नाम पहले आया। क्यों? इसलिए कि औरत की फितरत में इफ़त और पाकदामनी मर्द से ज़्यादा होती है, शर्मीलापन उसके अंदर मर्द से ज़्यादा होता है। तो जब एक औरत इफ़त और पाकदामनी की इन तमाम हदूद को और फितरती हया जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, फितरती शर्म जो अल्लाह पाक उसने उसके अंदर रखा है, उस शर्म को छोड़कर जब गैर फितरती अमल के अंदर मुब्तला होगी तो फिर वो उसका बड़ा जुर्म है। और वो बेहिजाब और बेहया होके बन के माशरे में आई है तो जब मर्द को उसके साथ बेहयाई करने का मौका मिला है, उसने क्यों मौका दिया इसका? उसने क्यों बात की? वो क्यों बेहिजाब हुई? उसने क्यों नजरें मिलाई? और वहां जहां सरका और चोरी की बात आई है, एक मर्द ताकत बाजू अल्लाह ने उसे अता फरमाई है, कमाई का सलीका अल्लाह ने उसे दिया है, मजदूरी कर सकता है, मुलाजमत कर सकता है, अपने हाथों से कमा सकता है, इतनी ताकत होने के बावजूद भी चोरी कर रहा है।
तो वो जुर्म जो था वो मर्द की तरफ से होना बहुत बुरा था, और ये जुर्म औरत की तरफ से होना बहुत बुरा है। इसलिए और बाज़ मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि ये जुर्म उस वक्त तक आम तौर पर उस वक्त तक नहीं वाक़ होता जिना का जुर्म जब तक औरत की मंशा बीच में शामिल ना हो, इसलिए औरत का नाम पहले आया। फजर दो कुल्ला वाहिद मिनहुम आदमी आता जल्दा, तो दोनों को 100-100 कोड़े लगा दो। मैंने अर्ज़ किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़िया और हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का भी वाक़िया जिक्र कर चुका हूँ कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उन दोनों को फिर रजम किया जाएगा। इसकी तफसीर अहादीस के अंदर मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के इरशादात मुबारक ये कुरान की शरह करते हैं और आयात की तशरीह करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक एक जुज़ी एक एक हुक्म हर हर हुक्म कुरान के अंदर मौजूद हो। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, फरमाया खबरदार सुन लो इस बात को, एक ज़माना आएगा एक आदमी अपनी मसहरी पर आराम से बैठा लेटा होगा और कुरान उसके हाथ में होगा और ये कहेगा मेरे लिए यही काफ़ी है। आपने फरमाया खबरदार, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हलाल करार दिया, बहुत सारी चीज़ों को हराम करार दिया, मैंने अपनी सुन्नत के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को हलाल बताया और बहुत सारी चीज़ों को हराम बताया। जिस तरह से अल्लाह का हराम करदा हराम, अल्लाह का हलाल करदा हलाल, उसी तरह से मेरा हराम करदा भी हराम है और मेरा हलाल किया हुआ भी हलाल है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारे हैं, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों के लिए बयान करें, और बयान आप अलैहिस्सलाम ने अपने इरशाद से और अमल से किया। तो फजलदु कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, इनको 100-100 कोड़े लगाए जाएंगे। और 100 कोड़े, देखिए शरीयत ने उसूल मुकर्रर किए कोड़े किस किस्म के होंगे, बिल्कुल एक एक बात बतलाई है किस तरह से जल्लाद कोड़ा लगाएगा। सारे अहकाम फ़िक़ह की किताबों के अंदर मौजूद। वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि, और वला तअखुज़कुम, और न पकड़े तुम्हें बिहिमा उन दोनों के हक में रअफ़तुन, किसी किस्म की नरमी तुम्हें न पकड़े, मतलब है कि नरमी इस मामले में आपने नहीं करनी। और फिर यह बात भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि यह सजा का निफाज ये इस्लामी शरई अदालत करेगी, फर्द वाहिद को या किसी एक जमात को इसका इख्तियार नहीं है, ये कजा है, कजा के अहकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन अहकाम को नाफिज फरमाया है। इन कुन तुम तो मिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिरी, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन, कि इन दोनों के मामले में तुम किसी किस्म की नरमी न करें। क्यों? इन कुन तुम, अगर तुम्हारा ईमान और अल्लाह पर, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह और आखरत पर है, तो इसलिए कि अल्लाह का हुक्म मुकद्दम है इनकी ज़ात से। तुम्हारे ईमान का तकाजा ये होना चाहिए कि तुम्हें क्या मुकद्दम होना चाहिए, अल्लाह का हुक्म। और फिर आखरत का भी सवाल होगा, तुमसे भी सवाल होगा, इनसे भी सवाल होगा, आखरत के अजाब से ये बच जाएँ और दुनिया में इनके ऊपर सजा नाफिज कर दो ताकि आखरत के अजाब से ये बच जाएँ। वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, और फरमाया कि इनकी सज़ा के वक्त ये होना चाहिए कि एक बहुत एक ग्रोह मुसलमानों का वहाँ पर हाजिर हो, वलयशहद हाजिर हो, अज़ाबहुमा उनकी सज़ा के वक्त, ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, मुसलमानों का एक ग्रोह वहाँ पर मौजूद हो। ये क्यों है? ताकि सब के सामने इबरतनाक सज़ा हो तो दूसरों के लिए इबरत होगी, छुप के सज़ा नहीं नाफिज की जाएगी। शरी अदालत जो ये सज़ा लगाएगी, कोड़े लगाएगी या जल्द करेगी, ये नहीं संसार किया जाएगा इनको, इनको अलल ऐलान संसार किया जाएगा, चौक चौराहे पर खड़े होकर किया जाएगा ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। तो ये पहला हुक्म है ज़िना की सज़ा, जो आप देखें अब सूरतुन नूर के अहकाम जो आपके पास पर्चा है उसमें आप देखें ज़रा, ज़िना की सज़ा जानी और जानिया अगर शादीशुदा हो तो रजम किए जाएंगे, गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे। नंबर दो, सज़ा में नरमी न करें, वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़ा, चूँकि सज़ा चूँकि शरई और अल्लाह का हक़ है, लिहाजा मुजरिम के चार बार इकरार के बाद या माशरे के चार नेक मर्दों की गवाही के बाद किसी किस्म की नरमी न करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है, और इससे पाक दामन और इफ़त माब औरतों की इज्जत महफूज रहेगी। नंबर तीन, वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, सज़ा अलल ऐलान दो, शरई सज़ा का निफाज हाकिम या उसका नायब अलल ऐलान करे ताकि बदकारी के दिलदादों के लिए शरई शदीद इबरत हो और आइंदा कोई इस हरकत की जरूरत न करे। ये मुजरिम तमाम शरई हदूद को फलांग करके आ रहा है, शरई हदूद जो मैं बता चुका हूँ, 15 हदूद बता चुका हूँ,
वो खौफ खुदा, नज़रों की हिफाजत और मर्द औरत की खलवत वगैरह, ये सब को पार करके यहाँ तक पहुँचा है, तो अभी तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। आगे नंबर चार, अब पहले आयत में देखिए, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुशरिकतन व ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन अव मुशरिक। अज़ानी जो ज़िना का खूगर हो, ज़िना का आदि हो, ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन, ज़ाहिर सी बात ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, वो ज़िना का खूगर वो ज़िना करने वाली ही को चाहता है या मुशरिका को ही चाहेगा। व ज़ानियतु और ज़िना करने वाली जो खातून होगी, ला यनकिहुहा, वो भी निकाह नहीं करेगी, उससे भी निकाह कोई नहीं करना चाहेगा, इल्ला ज़ानिन और मुशरिक, मगर ज़िना करने वाला या मुशरिक ही करेगा। माना यह इशारा है कि कोशिश की जाए कि माशरे के अंदर नेक और पाक दामनों को पाक दामन रिश्तों का इंतखाब किया जाए। एक नेक शख्स पाक दामन है या एक पाक दामन खातून है, वो अपने लिए किसी बुरे का इंतखाब नहीं करती। तो यानी निकाह की जो बुनियाद है और निकाह का जो मेयार है क्या होना चाहिए, वो नेकी और पाक दामनी हो, इसको बुनियाद बनाया जाए, दीन को बुनियाद बनाया जाए, ना कि माल और दौलत को बुनियाद बनाया जाए। आजकल हम किस चीज़ को देखते हैं, हमारे यहाँ तो माल ही देखा जाता है। पहला सवाल होता है, करता क्या है, कमाता कितना है, ये पहला सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इनमें से कोई सवाल नहीं होता था। क्यों सवाल नहीं होता था? अल्लाह की ज़ात आली पर भरोसा है, रिज्क अल्लाह देता है, अल्लाह खिलाता है। और इसी तरह से इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, आगे हुक्म आएगा कि अगर ये फ़कीर हैं तो अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से इनको गनी करेगा। आप क्यों गमगीन होते हो? और जो बच्चा पैदा हुआ इस निकाह के नतीजे में, अल्लाह तबारक ताला उसकी पैदाइश से पहले उसका रिज्क लिख देता है भाई। तो अल्लाह की तकदीर पर तो ईमान रखो। बाकी हम और आप जो दुनिया में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, कमाते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं, ये क्या है? ये असबाब है। पिछले इतवार की नशिस्त में भी मैंने अर्ज किया था कि असबाब असबाब होते हैं। एक आदमी अपने घर में पानी की लाइन बिछाता है तो जाहिर सी बात है कि जब पीछे से वाल नहीं खुलेगा तो पानी कैसे आएगा? इसने आगे से सारी रुकावटें ख़त्म कर दी हैं पानी आने की। अब इसका काम ये है, अब उसके बाद जो है ना, पानी जहाँ से आता है वहाँ से कनेक्शन होगा तो पानी आएगा। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया के अंदर हम जो खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन के अंदर जो गल्ला डालते हैं, बीज डालते हैं, हल चलाते हैं, जो कुछ भी है, या जो भी आदमी अपनी मजदूरी का, मुलाजमत का और कस्ब का जो भी उसने ज़रिया इख्तियार किया हुआ है, ये सिर्फ ज़रिया है। ये रोज़ी के आने के रास्ते से रोड़े जो आते थे उनको दूर कर रहा है, बस रुकावटें हटा रहा है, बाकी इसके सिवा ये कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और ज़मीन से गल्ले उगाना तो अल्लाह का काम है, बीज इसने डाला है और उसको काबिले काश्त और उगने के काबिल बनाना तो अल्लाह का काम है, उससे तनावर दरख्त निकालना तो अल्लाह का काम है। तो इसी तरह से हमारा काम सिर्फ रास्ते से उन रुकावटों को दूर करना है, बाकी रोज़ी तो अल्लाह देगा। तो हम अपने बच्चों के लिए एक सबब और ज़रिया हैं, हम अपने आप को सबब समझें। हम ये न कहें और ये तसव्वुर न करें कि जनाब मैं नहीं होऊंगा तो ये खाएगा कहाँ से, इसलिए जनाब बच्ची का रिश्ता देना है। तलाश करते 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 क्या कमाता है, इतना नहीं ये ठीक नहीं है, ये क्या कमाता है, ये इतना, ये ठीक नहीं है, ये क्या कमाता है, ये इतना है, ये सही है। अखलाक अखलाक तो अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में संवर जाएगा। बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे और इतनी अजीम गलती करोगे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस गलती की तरफ इशारा फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स का पैगाम आ जाए, मिम्मन तरदौन खुलुकहु व दीनहु, जिसके अखलाक से और जिसके दीन से, अखलाक बीवी का हक अदा करने के हवाले से अखलाक वाला हो, दीन से मुराद अल्लाह के हुकूक भी पूरे करने वाला हो, अगर ये चीज़ आप उसमें देखते हो तो अब आप उसको अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। अब अगर तुमने ना दिया, व इल्लम तकुन, अगर तुमने नहीं किया ऐसा, तो फिर फरमाया फसादुन अरीज़न, फिर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फसाद दुनिया में पैदा होगा, मत पूछो फिर। इसलिए अपने मेयारों को ठीक करो, अपने मेयार, आज हमारे माशरे के अंदर जो बहुत बुलंद मेयार हमने तसव्वुर किए हुए हैं, ये मेयार गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कोई मेयार नहीं बताया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान कुरैश के अंदर भी शादियां फरमाई हैं और कुरैश से बाहर भी आपने शादियां की।
مد مقابل جو خاندان تھا، مد مقابل خاندان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ مد بنو امیہ، ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مد مقابل ہیں، بعد میں تو مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے وقت، لیکن اس وقت تو ہر معرکے کے اندر سامنے ہیں یہ. ان کی بیٹی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین بن گئی. مدینہ منورہ کے اندر یہودی حیی بن اختب، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن، اس کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے. آپ تصور تو کرو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے بت ختم فرمائے، یہ سارے بت آپ نے مٹا دیے، سب کو ڈھیر کر دیا، جو خاندان خاندان کی بات آپ، آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بات ہوتی ہے، ہم خاندان سے باہر نہیں دیتے. بھائی اگر مناسب رشتہ خاندان میں ہے اچھی بات ہے، نہیں ہے مناسب رشتہ خاندان میں تو کوئی اور دیکھ لو، دیندار دیکھ لو، اچھا گھرانہ دیکھ لو، مال و دولت دنیا کی چیزیں نہ دیکھو، ورنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت بڑی غلطی کرو گے اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. ماں باپ جب تک حیات ہیں تو بچیاں ماں باپ کے سروں پر موج ہے، زندگی ہے، اچھی زندگی گزرتی ہے جب تک ماں باپ ہیں. تو جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد وہ کس کے رحم و کرم پر ہیں؟ کیا بھائی ان کو دیکھے گا؟ کیا بھابھیاں ان کے دیکھیں گی؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر مرد کی ضرورت ہے یہ، اور ہر عورت کی ضرورت ہے یہ. ایک عورت کو اللہ پاک نے مرد کا محتاج بنایا، ایک مرد کو اللہ پاک نے عورت کا محتاج بنایا، اور اس احتیاج کو ختم کرنے کا راستہ نکاح کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے معاشرے کے اندر یہ تصور جو آج پایا جا رہا ہے کہ نہیں ہم ذرا بہت بلند معیار دیکھیں گے، اور اس طرح سے کرتے کرتے ایک سال، دو سال، تین سال، پندرہ سال گزر گئے، بیس سال گزر گئے، چالیس سال گزر گئے، بیٹی بیٹھے بیٹھے چالیس سال کی ہو گئی، پینتالیس سال کی عمر ہو گئی، اب نکاح ہی نہیں آ رہے، اب کہاں آئیں گے؟ اور اب چونکہ ایک تو یہ بھی رسم ہے کہ بڑی عمر ہو جائے گی تو نکاح کون کرے گا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط فلسفہ ہے. یا کہ جو کچھ غلطیاں اپنی ہیں، یہ غلطیاں ہیں اپنی شروع کی، کہ رشتوں کی ناقدری کی ہے، رشتوں کی ناقدری کی. آج یقین جانیے مجھ سے جو بھی آدمی کہتا ہے بیٹی کے رشتے کے لیے آپ دعا کیجئے یا کوئی رشتہ بتلائیے، میں پہلا سوال یہ ضرور پوچھتا ہوں کتنے رشتے آ چکے. اکثر و بیشتر، اکثر و بیشتر کہیں دس آ چکے ہوتے ہیں، کہیں پندرہ آ چکے ہوتے ہیں، کہیں اتنے آ چکے ہوتے ہیں. تو بھائی اب یہ ناقدری کی ہے نا آپ نے، یہ جو نعمت کی ناقدری کی ہے، تو اس لیے اس نعمت کی ناقدری نہ کرو. تو اس لیے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہا، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے یہ مضمون آیا ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، غیر مسلم قوموں کو نہ چاہو تم، ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے، بنیاد ایمان بناؤ، ایمان اگر اچھا ہے، دین اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے تو ان کو ترجیح دو. وحرم ذلك على المؤمنین، اور فرمایا حرام کر دیا گیا ہے یہ نکاح، حرام کر دیا گیا ہے زنا کا معاملہ اہل ایمان والوں پر، ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اب یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیے، اگلا حکم یہ آیا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، کس کی؟ زنا کی تہمت، جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر چار گواہ اگر حاضر نہ کر سکیں، چار گواہ نہ پیش کر سکیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فجردوہم ثمانین جلدا، ان کو اسی اسی کوڑے لگا دو. چار گواہ نہیں لا سکا، تین گواہ تھے، دو گواہ تھے، تو کیا ہے اب اس الزام لگانے والے کو، بہتان لگانے والے کو کیا ہے؟ کوڑے لگا دیے جائیں گے، اسی اسی کوڑے لگا دیے جائیں گے، گو کہ اس نے دیکھا ہے، واقعتاً دیکھا ہے، جرم ہوا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو خاموش ہو جائے، گواہ نہیں ہے تو یہ خاموش ہو جائے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر بھی سختی اسی لیے کی ہے کہ بلا وجہ کوئی کسی پاک دامن پر الزام نہ لگائے، کسی کی عزت کوئی پامال نہ کرے.
और सिर्फ यहां तक बात नहीं है कि इनको सिकोड़े लगा दो, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा। अब ये जिसने किसी औरत पर इल्ज़ाम लगाया या किसी मर्द पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया, तो अब ये माशरे के अंदर मोतबर आदमी नहीं रहा, कभी भी इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। भाई जिस आदमी की गवाही कबूल की जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये मोतबर आदमी है, सच्चा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, दीनदार आदमी है, इसकी गवाही मोतबर है। लेकिन ऐसे शख्स की गवाही मोतबर नहीं है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा का माना हमेशा हमेशा उसकी गवाही कबूल नहीं है, मौत तक उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर तोबा कर लेता है तो गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन गवाही फिर भी कबूल नहीं होगी। इसको कहते हैं महदूद फिल कज़फ़, कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से इसको 80 कोड़े अगर लग गए तो अब ये हमेशा हमेशा के लिए मरदूद शहादा कहलाएगा, इसकी गवाही कबूल नहीं होगी। तो कितना सख्त कानून ये भी रखा, इसलिए कि ताकि बिला वजह कोई किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए, दो आदमियों को खड़ा करके कहे हाँ मैंने ये देखा है। लेकिन ये बात ज़ेहन नशीन फरमाइएगा, इसका ये माना नहीं है कि अगर 4 गवाह मौजूद नहीं हैं तो उनको सज़ा नहीं होगी, नहीं, हद नहीं लगेगी, ताज़ीर तो होगी। अगर एक आदमी कहता है इनको मुश्तबे हालत में देखा है, तो मुश्तबे हालत में देखने पर जिना वाली हद तो नहीं जारी होगी, लेकिन इस्लामी अदालत ताज़ीर करेगी। ताज़ीर का माना कुछ ना कुछ तो सज़ा देगी, वो वक्त का जो हाकिम होगा वो अपनी सवाबदीद पर जो सज़ा तजवीज़ कर दे वो सज़ा कुछ ना कुछ तो होगी। वउलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया ये तो फिस्क और फजूर करने वाले हैं, फासिक हैं, हाथ से निकले हुए हैं। हाँ, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी दालिका, मगर उसके बाद जो तोबा कर लें मिन बादी दालिका, इसके बाद यानी इल्ज़ाम बहतान तराशी के बाद कोई तोबा कर ले, व असलहू, और आइंदा के लिए सुलह कर ले, उनके साथ भी सुलह कर ले, किन के साथ, जिन पर इल्ज़ाम लगाया है। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह पाक मायफ़ालल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह पाक बिला वजह किसी को थोड़ी अजाब देता है। अगर तुमने अपना मामला यहाँ साफ़ कर दिया, अल्लाह पाक आखरत में माफ़ कर देगा। यानी 80 कोड़े उसको लगा दिए गए, लेकिन इसमें भी कोई समझौता नहीं है, इसमें भी कोई समझौता नहीं है। अगर ये माफ़ कर देता है तो तब भी ये समझौता नहीं है, इसलिए कि ये हद है, हद के अंदर समझौता नहीं है। जिस पर इल्ज़ाम लगाया है वो कहता है मैं माफ़ कर देता हूँ, तब भी माफ़ नहीं है, 80 कोड़े लगेंगे उसको, इल्ज़ाम लगाने वाले को 80 कोड़े लगेंगे। फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब थोड़ा सा इस पर्चे को देख लें, नंबर 5 में देखें, बल्कि 4 को भी देख लें। अज़ानी ला यनकहु इल्ला ज़ानिया, बद किरदार मर्द और औरतों से माशरती मुकाता किया जाए, क़त तअल्लुक़ किया जाए, ऐसे बद किरदार मर्दों को अपनी बेटियाँ निकाह में न दें, और ऐसी फाहिशा औरतों को भी ब्याह करा कर अपने घरों में न लाएँ, क्योंकि ये बेहयाई के कामों में मुसलमानों के लिए ये हराम कर दिए गए। ऐसे गंदे अनासर से भी अपने घरों को पाक और साफ़ रखें। और नंबर 5, तुहमत ज़िना, वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनात, एक पाक दामन औरत की इज्जत को बिला वजह कोई शख्स अगर दागदार करने, दाग का लफ्ज हटा हुआ है, दागदार करके और उस हर जिना का उस पर जिना का इल्ज़ाम लगाए तो और 4 गवाह पेश न कर सके तो शरीय अदालत उसको 80 कोड़े लगाएगी। और नंबर 6, तोहमत के मुजरिम की सज़ा कबूल न होगी। वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, जिस शख्स ने बिलावजह माशरे के एक पाकदामन शख्स पर तुमत जना लगाई और उसको बदनाम करने की कोशिश की और लोगों के दिलों में पाकदामनों के लिए शकूक और शुभात पैदा करने की कोशिश की, ऐसे नाआकिबत अंदेश की सज़ा सिर्फ 80 कोड़े ही नहीं है, बल्कि आइंदा इसकी गवाही को कबूल न किया जाएगा। इस तुमत लगाने की वजह से माशरे में इसको गैर मोतबर करार दिया गया। अब दूसरी तरफ आइए, सूरतुन्नूर में मज़कूरा अकायद, ये तो अहकाम थे, अब अकायद जहाँ तक हमने पढ़ लिया है यहाँ तक के अहकाम। अकीदा नंबर 1, अनजलना फ़र्ज़ना अनजलना, शरीयत का हर हुक्म वाजिब फ़र्ज सुन्नत मुस्तहब अल्लाह की तरफ से है, इसका अकीदा रखना चाहिए। जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं वो भी फ़र्ज़, जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चीज़ें सुन्नत करार दी हैं वो भी अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती है 2 तरह की है, एक वही है मतलू जो कुरान की शक्ल में है, और एक वो जो सुन्नत की शक्ल में है, ये भी अल्लाह ही का हुक्म होता है।
नंबर दो, इन कुंतुम तुमिनुना बिल्लाही वल्यौमिल आखिर, शरई सज़ाओं और हद को मानना ये आपके ईमान का तकाजा है। लिहाजा कोई आदमी कहता है मैं इस हद को मानता ही नहीं हूँ, ईमान से खारिज हो जाएगा। नंबर चार, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अकीदा रखना है अल्लाह तबारक तआला तमाम गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है, वो कादर मुतलक है। और नंबर पाँच, ये रहीम से लफ्ज़ समझ में आ रही है कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। ये क्यों कहा गफूरुर रहीम, कोई ये न समझे कि ये ज़ालिमाना कानून है, ये तो जनाब बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, ये तो ज़ालिमाना कानून, नहीं नहीं, अल्लाह मेहरबान है, मुजरिम को आखरत की सज़ा से बचाने के लिए दुनिया में सज़ा नाफिज़ कराई है, अल्लाह मेहरबान है ताकि तुम्हारा माशरा पाक दामन रहे, ये उसकी मेहरबानी का तकाजा है। नंबर छः, अल्लाह तोबा को कबूल करने वाला है, ये फिर आखिर बेसरकू के आखिर की आयात हैं, ये इंशाल्लाह फिर अगली नशिस्त में हम जिक्र करेंगे। तो आज की नशिस्त में ये जो अहकाम आ गए, अच्छी तरह से इनको जहन नशीन भी फरमाएँ, समझने की भी कोशिश करें, और इस तहरीर में जो सूरतें लिखी हुई हैं इनको बार बार उनका मुज़ाकरा किया जाए, और ये इंसिदाद ज़िना की जो हदूद हैं, जो 15 रुकावटें शरीयत ने खड़ी की हैं, इनको अपने माशरे में समझाया जाए, अपने जवानों को, बच्चों को, बच्चियों को समझाया जाए, ताकि इस किस्म के जराइम से हमारा माशरा पाक और साफ़ हो सके। अल्लाह तबारक तआला हम सब के लिए समझना अमल करना आसान फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। www.darsequran.com